हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है बोर्ड माय ट्रिप टूर्स एंड ट्रेवल के साथ साथ डिजिटल रिवॉल्यूशन की ओर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और टॉपअप करते हैं मैं आपको बहुत शॉर्ट में शेयर कर रहा हूं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस पर क्लिक कीजिए, आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए आपको दिख रहा है बोर्ड माई ट्रिप जो टूर एंड ट्रेवल से बिलोंग करता है, पेजॉल जो एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले पर है जो हमें डिजिटल रिवॉल्यूशन दे रही है। यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी, आपके पास जो लिंक आया उस पर क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। यूजर आईडी, आप अपना यूनिक रख सकते हैं। ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और आपको यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मतलब जिस मोबाइल पर आपको SMS आएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखिए पिन कोड, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करेंगे। सबमिट जैसे ही करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी मैसेज आएगा जिसमें यूजर आईडी, पासवर्ड और एक ट्रांजेक्शन पासवर्ड होगा जिसको आपको संभाल के रखना होगा। अब आइए हम यहां पर लॉगिन करते हैं किस प्रकार। आपके पास जो मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड आया है, आपको यहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और यहां पर साइन इन करना है। आप जैसे ही साइन इन करेंगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आइए हम डैशबोर्ड में क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में जानते हैं और किस प्रकार हम यहां पर अमाउंट से अपने आप ही डिपॉजिट कर पाएंगे और टॉपअप कर पाएंगे। तो देखिए यहां पर आपको डिपॉजिट का ऑप्शन दिख रहा है। डिपॉजिट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक ट्रांसफर और यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा रेजर पे। रेजर पे पे नीचे डिपॉजिट पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लाइफ में एक ही बार 500 प्लस GST मतलब 525 रुपये डिजिट यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लग रहा है। अब आपको यहाँ पर डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना कीजिए, रिफ्रेश बटन ना दबाइए, बैक बटन ना दबाइएगा। और यहाँ पर आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अब आपके पास देखिए कितने सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर आप कार्ड के माध्यम से, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट सभी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सभी माध्यम से। देखिए UPI के ऑप्शन भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर UPI ID डालिए और इसके नीचे हम चलते हैं नेट बैंकिंग। सभी प्रकार के नेशनलाइज बैंक है जैसे SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, यस, इसके अलावा भी कभी आपके पास ऐसा कोई बैंक जो नहीं दिख रहा है तो आप देखिए ये सेलेक्ट अ डिफरेंट बैंक पे क्लिक कीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सभी बैंक आपके सामने होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा और क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वॉलेट का ऑप्शन भी हमें दिया गया है। हम यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से भी यहाँ पर अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं और वॉलेट में हमारे पास फ्री चार्ज, मोबीक्विक, एयरटेल, जियो मनी और यहाँ पर पेजैप का भी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास कितने सारे पेमेंट मोड है। हम 525 रुपये की पेमेंट किसी भी मोड के माध्यम से कर सकते हैं। अब हमें किस प्रकार यहाँ पर सेल्फ टॉपअप करना है या टीम का टॉपअप करना है, तो आइए यहाँ पर सेल्फ टॉपअप भी कर सकते हैं, टीम भी टॉपअप कर सकते हैं। उसके लिए अब आपको चलना होगा फिर से अगेन डैशबोर्ड पे। जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए वाई पैकेज, तो वाई पैकेज पर क्लिक करना है। आपको दिख रहा होगा वाई पैकेज, मैं उस पर हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। इसका पहला है पैकेज, तो इसको पैकेज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी आंखों के सामने देखिए बाय पैकेज का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर करंट बैलेंस, आपने जितना भी अमाउंट वहाँ पर लिखा था, जैसे 525 लिखा था तो 525 आ जाएगा। अब आपको जिनकी भी आईडी एक्टिव करना है उनकी आईडी जैसे ही डालेंगे तो ईमेल आईडी भी आ जाएगा ग्रीन कलर में। ट्रांजेक्शन पासवर्ड जो आपके मेल आईडी पे आया था उसको आप डालिए और यहाँ से सेलेक्ट बिजनेस वॉल्यूम पे 500 सेलेक्ट कीजिए। आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे उसी समय विद इन सेकेंड आप 100% पैकेज को बाय कर चुके होंगे और आप एलिजिबल हो जाएंगे आने वाले सदस्यों से रेफरल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हैं और यहाँ पर जो इनकम आती है वो 12 बजे के बाद डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। आपको ध्यान रखना होगा आपको KYC करना है, तो KYC के लिए देखिए यहाँ पर आपको डिटेल्स आपको फिल करना है, पे नेम, अकाउंट, IFSC कोड, कौन सा बैंक है, कौन सा बैंक अकाउंट टाइप है जैसे करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, पैन नंबर डालना है। अभी गेट अप्रूवल नहीं हो रहा है तो आप इस पर क्लिक मत कीजिए। यहाँ पर आप जाइए आधार कार्ड में, यहाँ पर आपकी जो भी फाइल है उसको अपलोड कर दीजिए, सबमिट कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप सक्सेसफुली यहाँ पर KYC भी कंप्लीट कर रहे होंगे और जो नॉट सबमिटेड दिख रहा है 24 घंटे के बाद ये अप्रूव हो जाता है। अब हम चलते हैं यहाँ पर, देखिए कितने सारे हमारे पास ऑप्शन है जैसे लकी ड्रॉ, डिपॉजिट, यहाँ पर मेंबर डिटेल, बाय पैकेज, इनकम रिपोर्ट, वॉलेट स्टेटमेंट और आप यहां से नया रजिस्ट्रेशन भी डायरेक्ट लगा सकते हैं। फ्रेंड्स एक ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी जिससे आप सिर्फ 500 रुपए प्लस GST से अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।